बीजेपी और आरएसएस के नेता देश को बांटते हैं और जानबूझकर देश में भय पैदा करते हैं, लोगों को डराते हैं और नफरत पैदा करते हैं। अब सवाल उठता है, ये किसके लिए करते हैं और क्यों करते हैं? फायदा इस डर का, इस नफरत का फायदा किसको मिल रहा है? भाइयों और बहनों, क्या इस डर का फायदा, नफरत का फायदा हिंदुस्तान के गरीब आदमी को मिल रहा है? पिछले 8 सालों में आप मुझे बता दीजिए, हिंदुस्तान के गरीब आदमी को, किसान को, मजदूर को, छोटे दुकानदार को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्या फायदा दिया? पूरा का पूरा फायदा, डर और नफरत का फायदा हिंदुस्तान के 2 उद्योगपति उठा रहे हैं। आप बाकी उद्योगपतियों से भी पूछ लो, वो भी आपको बताएंगे कि पिछले 8 साल में हमारा कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ 2 व्यक्तियों का फायदा हुआ है। और देखने को मिल रहा है, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे पोर्ट हो, सड़कें हो, सब कुछ, सेलफोन, तेल, सब कुछ इन्हीं 2 व्यक्तियों के हाथ में जा रहा है। मीडिया देश को डराती है, नफरत पैदा होता है और फिर पूरा का पूरा फायदा बीजेपी 2 लोगों को दे रही है। देश को रोजगार किसान देते हैं और इन लोगों की रीढ़ की हड्डी नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ दी है। तो आज जो इस देश को रोजगार दे सकते थे, वो इस देश को रोजगार नहीं दे सकते हैं। और बेरोजगारी, जो आज आपको बेरोजगारी दिख रही है, वो आने वाले समय में और भी बढ़ेगी। एक तरफ आपको बेरोजगारी की चोट लग रही है और दूसरी तरफ महंगाई। मेरे पास आंकड़े हैं, 2014 में एलपीजी का सिलेंडर 410 रुपए का था, आज 1050 रुपए का है। पेट्रोल 70 रुपए लीटर, आज तकरीबन 100 रुपए लीटर। डीजल 55 रुपए लीटर, आज 90 रुपए लीटर। सरसों का तेल 90 रुपए लीटर, आज 200 रुपए लीटर। दूध 35 रुपए लीटर, आज 60 रुपए लीटर। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर केजी। तो एक तरफ आपको बेरोजगारी से चोट लग रही है और दूसरी तरफ जबरदस्त महंगाई। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान ने ऐसी महंगाई कभी नहीं देखी। नरेंद्र मोदी जी कहते थे 70 साल में क्या किया कांग्रेस पार्टी ने, 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने इतनी महंगाई हिंदुस्तान को नहीं दिखाई। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ काम करना चाहता है, चाहे कोई भी हो, विपक्ष की पार्टी हो, एक्टिविस्ट हो, एनजीओ का कोई व्यक्ति हो, उस पर पूरा का पूरा जबरदस्त आक्रमण होता है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब के सब लगा दिए जाते हैं। 55 घंटे मुझे ईडी में वहां पे बैठाया। मगर मैं एक बात समझाना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी को, मैं आपकी ईडी से नहीं डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 55 घंटे करो, 100 घंटे करो, 200 घंटे करो, 500 घंटे करो, 5 साल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। ये हमारा जो संविधान है, जो इस देश की आत्मा है।
आज इसकी रक्षा करना, आज इसको बचाने का काम हर हिंदुस्तानी नागरिक को करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया, अगर हम आज नहीं खड़े हुए, तो फिर ये देश नहीं बचेगा। क्योंकि ये देश संविधान है, ये देश, इस देश की जनता की आवाज है, ये देश इस जनता की, इस देश की जनता का भविष्य है। ये देश दो उद्योगपतियों का नहीं है, ये देश हिंदुस्तान के गरीब लोगों का है। और आज दो हिंदुस्तान बन गए हैं, एक मजदूरों का, गरीबों का, किसानों का, बेरोजगार युवाओं का। उस देश में कोई सपना नहीं देखा जा सकता। उस देश में अगर आप रोजगार चाहते हो, नहीं मिल सकता। अगर आप अपने बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेजना चाहते हो, आप नहीं कर सकते हो। उस देश में आपको अपना खून पसीना देना पड़ेगा, और खून पसीना देने के बाद आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। और दूसरा देश, इसी हिंदुस्तान के अंदर दो तीन, दस पंद्रह उद्योगपतियों का, अरबपतियों का, उसमें आप जो भी सपना देखना चाहते हो देख सकते हो, जो भी आप चाहते हो आपको हिंदुस्तान में मिल जाएगा। भाइयों और बहनों, इन दो देशों के बीच में लड़ाई है। नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा कहती है कि देश को बांटना है और पूरा का पूरा फायदा चुने हुए लोगों को देना है। हमारी विचारधारा कहती है कि देश सबका है और देश की जनता जो अपना खून और पसीना देती है, उसका फायदा दो तीन उद्योगपतियों को नहीं मिलना चाहिए, उसका फायदा हिंदुस्तान के किसान को, मजदूर को, गरीब को, बेरोजगार युवाओं को मिलना चाहिए। यह फर्क है। और आपने, आप जाइए, आप आज चले जाइए और किसी भी छोटे दुकानदार से, किसी भी मजदूर से, किसी भी स्मॉलर मीडियम बिजनेस वाले से, किसी भी किसान से पूछ लीजिए, क्या यूपीए के समय और आज के समय में क्या फर्क है। यूपीए के समय में 70,000 करोड़ रुपए यूपीए की सरकार ने हिंदुस्तान के किसानों को दिया बिना पूछे। नरेंद्र मोदी जी ने तीन काले कानून दिए। मजदूरों के लिए यूपीए सरकार ने एक ऐतिहासिक कानून मनरेगा दिया। नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा कि मनरेगा गरीबों पर अपमान है। और फिर आज, आज उनको नरेगा देना पड़ रहा है। क्योंकि अगर आज यूपीए का नरेगा नहीं होता, हिंदुस्तान में आग लग जाती। हिंदुस्तान में जितनी भी नफरत फैलेगी, जितना क्रोध फैलेगा, जितना डर फैलेगा, उतना हिंदुस्तान कमजोर होगा। और पिछले 8 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान को कमजोर करने का काम किया है। जो हमारी आर्थिक शक्ति थी उसको खत्म किया। बेरोजगारी 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में, वो नरेंद्र मोदी जी की देन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या महंगाई से, बेरोजगारी से, नफरत से देश मजबूत होता है क्या? कौन सी दुनिया में नफरत, बेरोजगारी, महंगाई से देश मजबूत होता है?
देश कमजोर होता है और नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी देश को जोड़ती है, हम नफरत मिटाते हैं, हटाते हैं, और जब नफरत मिटती है, खत्म होती है, जब डर कम होता है, तब हिंदुस्तान तेजी से आगे बढ़ता है। हमने ये करके दिखाया है, सालों करके दिखाया है। तो ये मैं आपको कहना चाहता था।